जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन की बन है, जो कि CSIR NET 2018 का क्वेश्चन है, दिसंबर बैच का। तो इसमें क्या क्या गिवन है, जैसे W1 हमें यहाँ पर गिवन है। W1 में क्या गिवन है कि W1 हमारा जो है 4 डिग्री की है स्पेस है। सेकंड हमें क्या गिवन है, एक W2 गिवन है। W1 में हमें 3 रेस्ट्रिक्शन गिवन है। अब ये डिपेंडेंट है, एक तो ये, एक ये, एक ये। अब ये डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट, इसे हम चेक करेंगे आगे। सेकंड हमें क्या गिवन है, W2 हमें गिवन है, जो कि यहाँ पर हाइड हो चुका है। ये W2 है, ये भी कितने कितने 4 डिग्री का, 4 डिग्री का। यहाँ पे भी हमारी 3 रेस्ट्रिक्शन गिवन है। अभी लीनियर इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ये हम आगे चेक करेंगे। सबसे पहले जो जो हमारे ऑप्शन में क्या पूछा गया है, W1, W2, डायमेंशन ऑफ W1, W2 और डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, और हमें क्या गिवन है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। ठीक, अब इसमें सबसे पहले हमारे डायमेंशन का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। W1 प्लस W2 इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W, यानी कि इन दोनों की जो ह्यूमन डायमेंशन होगी उससे माइनस कर देंगे। ठीक, अब सेकेंडली हमें जो ये कंडीशन गिवन है, यहाँ पे तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा कि ये डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट, वो भी तरीका है। दूसरा हमारा लॉन्ग तरीका भी होता है कि हम चेक करते हैं कंडीशन डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को यदि देखें हम, u प्लस v प्लस w इक्वल टू जीरो। सेकेंड क्या है, 2v प्लस x इक्वल टू जीरो। थर्ड क्या है, 2u प्लस 2w माइनस x इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें, क्या यदि हम इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले की 2 से करें और हम सेकंड वाले को यदि माइनस कर दें, तो क्या हमारी ये बन के 30 आ जाएगी। क्या फर्स्ट में हमने इससे मल्टीप्लाई करी 2 से और इसे हमने कर दिया माइनस। 2u प्लस 2v प्लस 2w माइनस 2v माइनस x, तो हमारा क्या 2v से हमारा 2v कट हो गया, तो बचा क्या 2u प्लस 2w माइनस x। यही हमारी क्या है, थर्ड कंडीशन। तो यानी कि हमारी जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है, इन दोनों का हमारा लीनियर कम्बिनेशन है, यानी कि लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है। इन दोनों के कम्बिनेशन की हेल्प से हम इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी लीनियर ऑफ इंडिपेंडेंट कंडीशन कितनी हो गई, केवल फिलहाल हमारी एक क्या हो गई, यहाँ पर कम हो गई। ठीक ठीक, तो यहाँ पर हमारी एक लीनियर डिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन आ गई। तो हम माइनस किसे करते हैं डायमेंशन निकालने के लिए, लीनियर इंडिपेंडेंट कंडीशन। तो हम यहाँ से देख सकते हैं W1 में कितनी लीनियर इंडिपेंडेंट कंडीशन होगी हमारी, 2। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी हमारी, 4। हमारी इसकी ये 4 डिग्री का है, माइनस हमारी इसकी कितनी हो गई, 2 इक्वल टू क्या आ गई, 2। तो W1 का हमारी वैल्यू यहाँ से आ गई 2, क्योंकि है 1। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है। ठीक, अब हम सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं कि सेकंड ऑप्शन सही है या नहीं। सबसे पहले इसे रिवर्स कर लेते हैं। ये फॉर्मूला भी हम रिलेज कर रहे हैं, बाद में जब हमें ज़रूरत होगी हम एक बार वर्बली देख ली उसका। तो सेकंड हमें गिवन क्या है, डायमेंशन ऑफ W2 में हमें हमें 3 रिस्ट्रिक्शन है, और तीनों रिस्ट्रिक्शन को यदि हम चेक करें तो इनका आपस में कोई भी कम्बिनेशन हमारा नहीं बैठेगा। ठीक, इसे हालांकि मैं चेक करने के मेथड वो भी बताऊँगा, फ़िलहाल हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो हमारा जैसे यहाँ पर डिग्री क्या है इसकी, 4। ठीक, ये सारी ही हमारी किसी एक दूसरे का कम्बिनेशन नहीं बननी, हम चेक भी कर सकते हैं जैसे हमने फर्स्ट में बनाया था। तो ये हमारी डायरेक्ट क्या हो जाएगी, यहाँ से इसकी डायमेंशन 4 माइनस नंबर लीनियर इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शन हमारी क्या हो गई, 3। तो ये इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शन हमारी 3 आ गई। तो इसकी डायमेंशन W2 की हमारी डायमेंशन क्या आ गई हमारी, 1। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है।
डब्ल्यू टू की डायमेंशन यहाँ पे क्या दी गिवन है, टू। अब थर्ड हम क्या निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू। डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू हमारी कैसे फाइंड आउट होगी, जैसे हम देखते हैं डब्ल्यू वन में हमारी कितनी कितनी हमारी रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर टू, क्योंकि एक तो डिपेंडेंट, तीसरी तो इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन से बनी है। और ये हमारी डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन में हमारी रिस्ट्रिक्शन कितनी हो गई, ये रिस्ट्रिक्शन है डायमेंशन में हमारी टू। डब्ल्यू टू में रिस्ट्रिक्शन हमारी कितनी हो गई, थ्री। ठीक, यहाँ पे तीन रिस्ट्रिक्शन है, तो अब हम इन तीनों के कंबाइंड करके क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट कंडीशन डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू में कितनी हो जाएगी, इन दोनों की कॉमन। तो इन दोनों की कॉमन क्या रह जाएगी हमारे यहाँ से, यदि हम देखें तो बेसिकली हम यहाँ से करेंगे क्या, क्योंकि डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू की हम यहाँ से बात कर रहे हैं, तो इसमें दोनों की हम रेस्ट्रिक्शन को देखेंगे आपस में इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो फर्स्ट में हमारी इसकी रेस्ट्रिक्शन टू थी, ये हम थर्ड चेक ही कर चुके थे हम यहाँ से कि थर्ड हमारी किसकी कम्बिनेशन है, फर्स्ट और सेकेंड। अब क्योंकि हमारे पे यहाँ पे इन्हें हमें यहाँ पे तीन को चेक नहीं करना है, यहाँ पे हमें छः को चेक करना है, क्योंकि बात चल रही है डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू की। ठीक, तो हम यहाँ पे सिंपली करेंगे क्या, जब सबसे पहले जैसे हम इसमें देखें U प्लस बी प्लस डब्ल्यू माइनस, हालांकि मैं इसका, ये तो शॉर्टकट मेथड है, इसका लॉन्ग कट भी बताऊंगा कि हम लॉन्ग मेथड से हम इसे सिंपली जो हमारा बेसिक मेथड है उससे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यदि हम इससे कॉम्बिनेशन बना पाएँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो हम इसकी फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन और इसकी फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन को आपस में माइनस कर दें यदि हम, तो क्या आएगा, माइनस यू माइनस डब्ल्यू माइनस एक्स। तो यहाँ से हमारा यू से यू कैंसिल, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वी माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये हमारी थर्ड हमारी बनकर आ गई, यानी कि थर्ड हमारा किसका कॉम्बिनेशन है, इसका, इस वाले डायमेंशन और डब्ल्यू टू की फर्स्ट का और डायमेंशन और डब्ल्यू वन की फर्स्ट का। तो ठीक, इनके हम कॉम्बिनेशन, तो ये भी हमारी लीनियर डिपेंडेंट कंडीशन बन जाएगी। तो हमारी लीनियर इंडिपेंडेंट कंडीशन कितनी बची, डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू में टू में, यहाँ पे दो तो ऊपर है हमारी और दो हमारी नीचे आ जाएगी, कौन कौन सी, एक तो ये और एक ये दोनों हमारी किसी के कॉम्बिनेशन से नहीं बनेगी। तो हमारा सिंपली यदि हम देखें तो हमारा ये कितना आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू की डायमेंशन क्या है, फोर, और उनकी इंडिपेंडेंट कंडीशन क्या है, थ्री, इक्वल टू हमारी क्या आ गई, वन। तो वन हमारा यहाँ से डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू आ गया, जो कि हमारा क्या है, राइट ऑप्शन। फोर्थ हमारा डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन, अब जब हम इन तीनों की डायमेंशन निकाल चुके हैं तो बाय फॉर्मूला हम इसकी भी निकाल लेंगे, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू जो हमने शुरू में फॉर्मूला लिखा ही था। हम नीचे जाके सबसे पहले इसका फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं और ये सारी वैल्यू हम याद कर लेते हैं, डब्ल्यू टू की डायमेंशन क्या है हमारी, वन, डब्ल्यू वन की डायमेंशन क्या है हमारी, टू, डब्ल्यू टू की हमारी क्या है, वन, डब्ल्यू थ्री की क्या है, वन, डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू, डब्ल्यू थ्री नहीं, इसकी डायमेंशन हमारी क्या है यहाँ पर। तो ये सारी वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन इस फॉर्मूले में, प्लस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू टू माइनस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू। डब्ल्यू वन की डायमेंशन क्या थी, टू, प्लस डब्ल्यू टू की क्या थी हमारी, वन, माइनस हमारी इसकी क्या थी, वन, तो इसकी हमारी डायमेंशन क्या आ जाएगी, टू, और ऑप्शन में क्या गिवन है हमारी, इक्वल टू थ्री, जो कि हमारे क्या है, तो केवल सी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट होगा। तो हमारा सिंथेट ये भी हमारा क्या हो गया यहाँ से, गलत। तो अब हम सबको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद आगे इसकी सेकंड मेथड देख लेते हैं कि हम लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कैसे चेक करेंगे। रिस्ट्रिक्शन को माइनस करने का तरीका तो वही होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारी रिस्ट्रिक्शन गिवन है, ठीक, उसका सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे।
इसमें सबसे पहले हमें इक्लेयर फॉर्म या फिर हम बात करें किसी अदर मेथड की जिससे हम मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकें, तो ये सारे मेथड जिससे भी हम रैंक निकाल सकें उनकी हमें ज़रूरत होगी। तो जैसे सबसे पहले इक्लेयर फॉर्म सबसे इजी ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे U प्लस V प्लस W है, यानी कि U की वैल्यू 1, V की 1, W 1, X हमारा 0। फर्स्ट वाले में हम देख रहे हैं W 1, W 2 में क्या है, हमारा U की वैल्यू 0 है, V की वैल्यू 2 है, W की वैल्यू 0, X की वैल्यू 1, सो यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पर हमारा देखो। इसी तरीके से यदि हम W, ये तीसरी रेस्ट्रिक्शन देखें, इसमें हमारी U की वैल्यू 2 है, V की वैल्यू 0 है, W की वैल्यू 2 है, X की वैल्यू -1 है, तो हम इसकी हेल्प से क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी रैंक फाइंड आउट कर लेंगे। जितनी भी हमारी इसकी रैंक आएगी वो क्या हो जाएगी हमारी, वो क्या हो जाएगी हमारी नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शन। तो हम इसकी रैंक फाइंड आउट कर लेंगे। रैंक फाइंड आउट करने का तरीका सब सिंपल होता है कि सबसे पहले फर्स्ट रो में फर्स्ट सबसे पहले यहाँ पर 1 होना चाहिए और उसके नीचे सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 फर्स्ट कॉलम। तो ये तो 0 है ही, हम इसे 0 बनाएंगे किसकी, बाय द हेल्प ऑफ दिस। ठीक, सेकंड में हम क्या करते हैं, इसे हालांकि मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा नेसेसरी क्वेश्चन, मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। सेकंड में हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से नीचे वाले को 0 बनाएंगे जो कि ऑलरेडी 0 है। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या ये 0 बन जाएगा, तो यहाँ पर इसकी रेंज क्या आ जाएगी, 2, जैसे कि हमारी डायमेंशन डब्लू वन है उसकी 2 आई थी। इसी तरीके से हम फर्स्ट चेक करेंगे, फर्स्ट में यदि इसकी भी मैट्रिक्स बना लेंगे फर्स्ट डब्लू टू की भी, इसी तरीके से कैसे डब्लू टू में क्या करेंगे हम, यू की जगह 1, वी की जगह 0, यहाँ पर फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन में डब्लू की जगह 1 और एक्स की जगह 1। ठीक, फर्स्ट ये हमारी रो बन गई। सेकेंड रो किससे बनेगी, सेकेंड रेस्ट्रिक्शन से, यहाँ पर हमारा क्या गिवन है, U की जगह हमारा 1, UV की जगह 0, W की जगह हमारा क्या है गिवन है सेकंड में 1 और X की जगह 2। ठीक, इसी तरीके से हमारा W, U की जगह 0 है, V की जगह थर्ड में 1 है, W की जगह 0 है, X की जगह -1। इसी की भी रिंग फाइंड आउट कर लेंगे, जो भी इसकी रिंग आएगी वो हमारी नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन हो जाएंगी, उसे हम अगेन 4 से माइनस कर देंगे दोनों की जो जो भी हमारी रिंग आएगी। इसी तरीके से हमें यदि क्या निकालना हो, W1 इंटरसेक्शन W2 की वैल्यू, तो सेम मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, बस यहाँ पे नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन हमारी क्या हो जाएंगी, 6। तो ये थोड़ा लेंथी मेथड हो जाता है, यदि हम कम्बिनेशन बना ले तो ज़्यादा ईजी बैठ जाता है, तो हम एक बार उसे भी देख लेते हैं उसका हम कैसे बना पाएंगे। तो सबसे पहले इसे इरेज कर लेते हैं। तो इसमें हम सिंपली मैंने हम क्या करेंगे, इसमें रैंक इनकी दोनों की फाइंड आउट करके 4 से माइनस कर देंगे, क्योंकि तो ये हमारी रैंक क्या देगी, नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शन। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली अब हम इसमें जो हमारी टोटल है ये सारी मैट्रिक्स बना लेंगे। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन में U की वैल्यू 1, V की वैल्यू 1, W की वैल्यू 1, X की वैल्यू 0। सेकंड रेस्ट्रिक्शन में U की वैल्यू 2, V की वैल्यू 0, W की वैल्यू 2, X की वैल्यू -1। थर्ड रेस्ट्रिक्शन, वो ये थर्ड लिखी गई, उससे वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इंटरचेंज कर लेंगे, या मैंने गलती से ही देखी। अब V में हम क्या करेंगे, U की वैल्यू 0, V की वैल्यू 2, W की वैल्यू हमारी क्या 0, X की वैल्यू 1। ठीक, अब इसकी तीस नीचे वालों से बनाएंगे, यहाँ पर इसमें फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन में क्या है, U की वैल्यू 1, V की वैल्यू 0, W की वैल्यू 1 और X की वैल्यू 1। ठीक, इस तरीके से सेकंड रेस्ट्रिक्शन में देखेंगे, यहाँ पर क्या U की वैल्यू हमारी 1 है, V की वैल्यू 0 है, W की वैल्यू हमारी 1 है और X की वैल्यू -2 है। ठीक, इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट को देखने के लिए देखेंगे, अब जैसे हम नेक्स्ट में देखेंगे ये भी v माइनस एक्स है, यानी कि u
और हमारी W की वैल्यू 0 है, V की वैल्यू 1, X की वैल्यू -1। U और V की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या हो गई, डायरेक्ट 0, वो U और W की, U और V की वैल्यू हमारी 1 है, W की वैल्यू 0 और X की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो एक जो हमारी ये मैट्रिक्स बन के आई है, तीन ये, तीन ये 6 रो की मैट्रिक्स है, इस तरीके की मैट्रिक्स है हमारी ये 6x4 की। इसकी हम रैंक फाइंड आउट कर लेंगे, इसकी रैंक हमारी क्या आएगी, वो जो हमारी W1 इंटरसेक्शन W2 की जो हमारी वैल्यू आई थी वही इसकी रैंक होगी। तो इसकी रैंक हमारी यहाँ से आ जाएगी क्या, 3, यदि हम रैंक मेथड से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वही अगेन इसके नीचे सबको 0 बनाएंगे, फिर यहाँ पर जो होगा इसकी हेल्प से नीचे वाली वैल्यू को 0 बनाएंगे, फिर इसकी हेल्प से नीचे वाली वैल्यू को, फिर इसकी हेल्प से नीचे वाली वैल्यू को, इस तरीके से हम यदि इसकी रेंज निकालेंगे तो वो 3 आएगी। तो लीनियर इंडिपेंडेंट कंडीशन हमारी यहाँ से क्या हो जाएगी, 3। अब वो 3 होने के बाद उसे 4 -3 कर देंगे, वो हमारी डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 आ जाएगा, वो आ जाएगी 1। और उसका हमारा फॉर्मूला होते ही उसे हम डायरेक्ट फॉर्मूला की हेल्प से ही फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये था हमारा कंप्लीट मेथड किसी भी, हमारी जो मैट्रिक्स की वन है, ये मैट्रिक्स नहीं, हमारी 4 डायमेंशन की एक W1 W2 स्पेस गिवन है, इसके हम डायमेंशन कैसे अलग अलग निकाल सकते हैं।